मैं एक ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ लड़कियाँ होना ही गलत है, क्योंकि फैमिली में लड़का चाहिए था सबको, चाहे वो मेरी दादी हो। भारत की बेटी पूजा तोमर ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने स्ट्रावेंट में रियान डांस सैंटोस को हराकर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीत ली है। पूजा तोमर ने रियान डांस सैंटोस को 30 में से 27, 27 से 30, 29 से 28 की करारी शिकस्त दी। इस तरह पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। दरअसल पूजा तोमर के खिलाफ रियान डांस सैंटोस अपनी ऊंचाई और रेंज का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय खिलाड़ी के सामने एक न चली। इस तरह पूजा तोमर ने इतिहास रच दिया। पूजा तोमर भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य की रहने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ जीत के बाद उन्होंने कई खुलासे किए हैं, क्या कुछ कहा है खुद सुने। वो मोमेंट जब मैं तैयार हो रही थी फाइट के लिए और उसके बाद जो वॉकिंग कर रही थी अपने फ्लैग इंडिया फ्लैग के लिए, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं अपने इस फाइट मतलब ये फाइट अपने इंडिया को विन करनी है। और जो वो डिस्टेंस था ना, उसमें बस दिमाग में यही था कि कुछ भी हो एक विनिंग तो देनी है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से इंडिया में एमएमए चल रहा है बट इंडियन को पता ही नहीं है एमएमए क्या है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिल्कुल ज़रूरी बात तो है, लेकिन आप जब जीती तो आपको पता चला कि आप पहली भारतीय हैं जिन्होंने यूएफसी में फाइट जीता है, तो ये आपको पता था जब आप जीती थी? बिल्कुल पता था, और मुझे ये भी पता था कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बाद शायद काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाए। तो अब लेकिन तो ये जब आप पहली भारतीय बनी तो वो फीलिंग कैसी थी यूएफसी में फाइट जीतने वाले? वो तो मैं कभी भुला ही नहीं सकती, वो बहुत अमेजिंग थी और मैं इमोशनली बहुत हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा मोमेंट था। ये फाइट विन के बाद मैंने देखा कि बहुत लोग जिन्हें पता ही नहीं था मार्शल आर्ट क्या होता है, उन लोगों को भी पता चला है कि एमएमए क्या है। और मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ लड़कियाँ होना ही गलत है, और तो मुझे अब ये फाइट विनिंग के बाद मुझे बिल्कुल लग रहा है कि हमारे इंडियन, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, बहुत सारे फाइटर यूएफसी में जाएंगे और विन करेंगे। आपने पहला कदम रख लिया, आपने यूएफसी की रिंग जीती, अब अगला मुकाबला आपके 3 महीने बाद है, उसको लेके अभी से दिमाग में चल रहा है अभी ब्रेक, क्या क्या आपका टारगेट है? बिल्कुल, मुझे काफ़ी सारी लास्ट फाइट में मतलब मैं बहुत अच्छा करना सोचा था, बट थोड़ा सा हो सकता है बहुत सारी चीज़ें रही हो तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे यही है कि जो चीज़ें पिछली फाइट में गलतियां रही हैं वो गलतियां सुधारनी है और हार्ड वर्क करना है नेक्स्ट फाइट के लिए, कि वो 3 राउंड ना जाएं किसी चीज़ में, डिसीजन में ना जाएं कि मैं जल्दी ये फाइट अगली फाइट फिनिश करूं। कैसे ये यूएफसी में जाने का ये हुआ, कैसे कैसे ये होता है सफर, कोई बताएं यूएफसी आप गई कैसे? ये सफ़र बहुत लंबा है, और शॉर्टकट में बताऊं तो मैं बचपन से ही लड़कों से नफरत करती थी, सॉरी। और मुझे ये था क्योंकि फैमिली में लड़का चाहिए था सबको, चाहे वो मेरी दादी हो, मम्मी तो नहीं, मम्मी तो हमेशा लड़कियों से प्यार किया है, पापा जी को भी एक लड़का चाहिए था, तो मुझे ये हो गया था कि लड़कों को देखते कि इनको तो मुझे मारना है, ये मेरे घर में भी नहीं आने चाहिए। तो तब से ये हो गया था कुछ जैकी चैन की मूवी देखना और मार्शल आर्ट सीखना, कि अगर थोड़ा सा भी कहीं झगड़ा हुआ तो मैं उनको मारूंगी। खुद ही नहीं पता चला कि हाँ कब एमएमए सीख लिया, और यूएफसी का भी ज़्यादा नहीं पता था तब, बस हाँ उस टाइम पे रोंडा रोजी खेलती थी उनका पता था, और फाइनेंशली भी बहुत सारी चीज़ें रही जिसमें मार्शल आर्ट में आई मैं। उसके बाद तो ये मेरा एकदम सपना हो गया था कि हाँ यूएफसी जाना है और जीतना है। भारत का परचम विदेश में लहराने वाली यह कोई और नहीं, पूजा तोमर हरियाणा की धाकड़ बेटी है, और उन्होंने जीत के बाद कई बातें कही है। इस तरह की तमाम रोचक जानकारियों से रूबरू होने के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।